मऊगंज जिला प्रशासन की कोरी साबित होने वाली समीक्षा बैठक और समस्याओं की अनदेखी करते हुए खबरों के नाम पर चल रहे वाहवाही वाले विज्ञापन में मस्त हैं, तो वहीं यहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दरअसल मऊगंज कलेक्टर के द्वारा बीते दिनों नगर परिषद को दिए गए आदेश का खामियाजा मऊगंज नगर भुगत रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बरसात में जलमग्न वेटनरी परिसर का पानी तो नहीं निकला, बल्कि नगर परिषद द्वारा गलत तरीके से पानी निकासी के निर्णय के चलते वहां पर नगर के पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से इसका शिकार समूचा नगर हो गया है। इस तरह से निर्मित स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्षद शाहिर असलम खान अन्नू ने बताया कि मऊगंज कलेक्टर के दबाव में नगर परिषद द्वारा गलत कदम उठाया गया है कि यह नतीजा है कि भीषण पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। आइए सुनाते हैं यहां के गंभीर हालात को लेकर कांग्रेस पार्षद अन्नू खान का क्या कहना है। अन्नू खान जी, आप भी इस नगर के एक पार्षद हैं, इस समय क्या स्थिति देख पा रहे हैं? लोग पेयजल की समस्या से परेशान हो गए, बरसात का समय है और वहीं जगह जगह जल भराव देखा जा रहा है, ये सब क्या, किस तरह से ये स्थितियाँ बन रही है, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमें बुलाया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मऊगंज की नगर की व्यवस्था आप सभी पत्रकार महोदय भी देख रहे हैं, आपने कई बार लिखा भी होगा और मऊगंज की जनता ने भी कई बार शिकायतें करी कि मऊगंज की दशा और दिशा दोनों बदली हुई है। जब से मऊगंज जिला बना एकदम भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त तरीके से फैल रहा है, फल फूल रहा है। कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें जनता की हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसी तारतम्य में मऊगंज नगर परिषद में जब बरसात हुई तो उसमें जल भराव के कई मुद्दे हर वार्डों में आए, लेकिन जल भराव के मुद्दे में कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया कि जल भराव मुद्दे में मीटिंग करी कि इसको निराकरण किया जाए, लेकिन सीमो साहब को उन्होंने बोला कि निराकरण करना है। और एक उदाहरण आपने देखा होगा कि चाक मोड़ पे विटनरी में वहाँ पे जल भराव हुआ। कई तो फिर आगे क्या कहा? मैं बैठा वहाँ पे नगर परिषद में बैठा था, तो किस तारीख की बात है? ये लगभग एक तारीख की बात है। तो वहाँ पे सीमो साहब आए, संतोष सिंह जी, और मैं खड़ा हो रहा था। ऑफिस में चर्चाएं चल रही थी कि कलेक्टर साहब एसडीएम साहब का फ़ोन आ रहा है बार बार और आज ये हर हालत में ये जल निकासी करना है। तो वहाँ के बाद इन्होंने एक टीम गठित करी और वहाँ पे ले जाके जेसीबी वगैरह से खुदाई चालू हुई। खुदाई के बाद वहाँ पे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, नाली मेन पाइपलाइन पानी वाली। तो दो दिन पानी नहीं आया, उस पर कार्रवाई की गई, तो उसको बना रहे हैं। जब से एक हफ्ते हो गए वो पाइपलाइन अभी सुधर नहीं पाई। केएनके के लोग लगे हुए हैं लेकिन वो पाइपलाइन नहीं बना पाए, जिस कारण से पूरी मऊगंज की जनता जल विहीन है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इस बरसात के मौसम में भी जहाँ हर जगह जल भराव हो रहे हैं, हर वार्डों में जल भराव हो रहे हैं, वहाँ भी पानी अभी प्राप्त नहीं हो रहा। लोगों में काफ़ी गुस्सा होगा और जी लोगों में काफ़ी गुस्सा होगा काफ़ी गुस्सा है हमारे। हमने एक समस्या निवारण ग्रुप भी बनाया है जिसमें काफ़ी लोगों को वो है, और हमारे वार्ड के 5 लोगों में काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, अन्य वार्डों से भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जल क्या कारण है भाई। तो उसका कारण तो मेन है पाइपलाइन, और उसको अगर नहीं सुधार हो रहा उसको नई पाइपलाइन डाल के उसको सुधार किया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और कलेक्टर साहब को इसमें देखना चाहिए क्योंकि विपक्ष के नाते आप लोग नहीं मानते कि हमको अब इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती तो बिल्कुल हम उस पर नहीं तो धरना रखना पड़ेगा, चाहे हमको कलेक्टर साहब के समक्ष जाके अपना धरना देना पड़े या नगर परिषद में धरना देना पड़े। भाई हमें तो जनता के लिए सुविधा चाहिए, जनता को पानी नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए धरना भी देंगे। आदेशित कलेक्टर साहब ने सीमो साहब को किया, सीमो साहब ने वहाँ पे नाली खुदवाया, बहुत अच्छी बात है जल निकासी हुई, लेकिन उसके साथ साथ जल भराव तो था ही, और इसके उसका परिणाम ये निकला कि जल संकट आ गया क्योंकि पाइपलाइन वहाँ पे फूट गई। आज कलेक्टर साहब के आदेश पर ये हुआ, ये आपको बिल्कुल कन्फर्म हूँ, कलेक्टर साहब का निर्देश था। वहाँ पे कांग्रेस के नेता जी
सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8391979464। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।